तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं शोरमा खाने के लिए। तो काफ़ी शोरमा ये काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पर। और देखिए इसकी मेकिंग आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें ढेर सारा चिकन आता है और इसमें ढेर सारा मेयोनीज आता है। बहुत सारी चीज़ें डालते हैं इसमें, सॉस वगैरह डालते हैं, फ्रेंकी वगैरह भी डालते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी डालते हैं इसमें। लेकिन हमें जो है फ्रेंच फ्राइज़ वाला नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये मेकिंग। ये मेरा वाला बना रहा है ये। तो पहले इसको ना यहाँ पे ग्रिल पे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। ये आगे पीछे से थोड़ा इसको सेकेगा। ये एक तरीके का ब्रेड होता है, इसको सेक रहा है ये। सेकने के बाद इसमें बहुत सारी स्टफिंग करेगा। अभी इसे सेक रहा है, सेक लेने दीजिए। आपको इसके आगे की मेकिंग आपके सामने ही होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए, तो मुझे कैबेज भी बहुत थोड़ा सा ही डलवाना था। तो अभी ये मेरे हिसाब से बस हो गया, इसको सेक चुका है ये। थोड़ा और सेकेंगे। तो चलिए अभी ये मेकिंग के लिए स्टार्ट है। अभी ये यहाँ से जो चिकन है वो कटिंग होगा, थोड़ा सा ये ऊपर से कटिंग कर गए। तो इसकी मेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे चिकन कटिंग किया जा रहा है। इसको चिकन को ऊपर से हल्का हल्का काट काट के निकालते हैं जितना पक चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा चॉप करके ये हमारी जो शोरमा है वो रेडी हो रहा है। तो ये लग गया ढेर सारा मेयोनीज और ये आ गई रेड चटनी। ये काफ़ी स्पाइसी होती है, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें कैबेज भी आ चुका है, ये आ गया टमाटो सॉस। इसके बाद इसको देखिए, इन्होंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया और ये मेयोनीज निकाला यहाँ पे। इसमें काफ़ी सारा मेयोनीज है। एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए काफ़ी सारा इसमें चिकन आ चुका है। अब ये उसके ऊपर लगाएंगे ढेर सारा मेयोनीज। देखिए भर भर के डाला जा रहा है और इसको अब रैप कर दिया जाएगा। अब ये खाने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।